कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करते हुए करीब 21 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया, लेकिन अभी तक उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके चलते करीब 20 लाख परीक्षार्थियों को मन में असमंजस की स्थिति बन गई। कोरोना महामारी में राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षा होगी या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि परीक्षाओं पर निर्णय के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसको परीक्षाओं पर मंथन करने के लिए 15 दिनों का समय भी दिया गया था। 10 जून को ये समय पूरा होने जा रहा है, जिसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट पर मंथन करने के बाद इसको सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद सरकार द्वारा परीक्षाओं पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि अधिकतर विश्वविद्यालय के कुलपति लगातार दूसरे साल छात्रों को बिना प्रमोट करने के पक्ष में नहीं है। हम सरकार से ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि विद्यार्थियों के हित में फैसला लेकर उनके भविष्य को देखकर कोई फैसला ले सरकार, ताकि विद्यार्थियों का भविष्य भी अंधकार में ना जाए और विद्यार्थियों को सुरक्षित जीवन मिल सके। वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा के परीक्षार्थी लंबे समय से परीक्षाओं को रद्द कर विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार से निवेदन है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षा को रद्द करके फाइनल ईयर की परीक्षा आप करवा सकते हो, और वो भी ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम आपको करवानी होगी, क्योंकि अभी तक सभी नेता मंत्रीगण सभी ऑनलाइन जो वो मीटिंग है वो ले रहे हैं, मास गैदरिंग वो कर नहीं रहे, तो आप विद्यार्थियों की मास गैदरिंग क्यों करना चाहते हैं? तो हमारी सरकार से यही विनती है, यही गुजारिश है कि जो एग्जाम का सिस्टम है, या तो आप ओपन बुक एग्जामिनेशन लीजिए या फिर आप स्टूडेंट्स को प्रमोट कीजिए। बहरहाल ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा फैसला लिया जाता है या फिर पिछले साल की तरह अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य परीक्षार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर।